नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल नमस्ते इंडिया में। आईपीएल 2021 के लिए 18 फरवरी को खिलाड़ियों की नीलामी होगी। इस साल नीलामी में शामिल होने के लिए कुल 1097 खिलाड़ियों ने अपना नामांकन किया है। इसमें 814 भारतीयों और 283 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। इस लिस्ट में शामिल होने वाले खिलाड़ियों में 873 अनकैप्ड जबकि 207 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके खिलाड़ी हैं। आईपीएल के 14वें सीजन में कुछ नए खिलाड़ी शामिल होंगे तो वहीं कुछ दिग्गज खिलाड़ियों के लिए ये आखिरी सीजन भी हो सकता है। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि वे कौन से दिग्गज खिलाड़ी हैं जिनके लिए आईपीएल 2021 आखिरी सीजन हो सकता है। महेंद्र सिंह धोनी। चेन्नई सुपर किंग्स को 3 बार चैंपियन बनाने वाले 40 साल के धोनी के लिए शायद ये सीजन आखिरी हो सकता है। हालांकि उनके मन को भांपना थोड़ा कठिन है क्योंकि उनके फैसले हमेशा सस्पेंस से भरे होते हैं। दरअसल पिछला सीजन चेन्नई के लिए खराब रहा था। चेन्नई की टीम आईपीएल के इतिहास में पहली बार प्लेऑफ के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकी थी। चेन्नई ने 14 मैचों में से 6 जीत के साथ 12 अंक लेकर टूर्नामेंट का समापन किया था। आखिरी मैच में जीत दर्ज करने के बाद धोनी ने कहा था कि टीम को अपने कोर ग्रुप में बदलाव करने की सख्त जरूरत है। इसके साथ ही कप्तानी छोड़ने के भी संकेत उन्होंने दिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आईपीएल के 14वें सीजन में भी धोनी ही कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। हरभजन सिंह। अगर हरभजन आईपीएल 2021 में खेलते हैं तो वो अगले साल की नीलामी में अपना नाम वापस ले सकते हैं। इस उम्र में वे भी चेन्नई सुपर किंग्स की भविष्य की योजना का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। ये भी गौरतलब है कि हरभजन घरेलू क्रिकेट का भी हिस्सा नहीं है। पिछले 2 साल से वे पूरी तरह कमेंटेटर की भूमिका निभा रहे हैं और संभावना ये भी है कि इस आईपीएल में यानी कि आईपीएल 2021 में उनके लिए कोई बोली ही ना लगाए। क्रिस गेल। बेशक क्रिस गेल किंग्स 11 पंजाब के लिए रन बना रहे हैं, लेकिन उम्र गेल को आगे जाने से रोक रही है। संभवतः अगले साल फ्रेंचाइजी उन्हें साथ नहीं रखना चाहेगी। अगले साल मेगा ऑक्शन में फ्रेंचाइजी अगले 3 साल की टीम बनाना चाहेगी। 42 साल की उम्र में गेल के किसी भी टीम का हिस्सा बनने पर संदेह है। 2018 में गेल का नाम जब तीसरी बार नीलामी में आया तो पंजाब ने उन्हें खरीदा था। अंबाती रायडू। पूर्व भारतीय बल्लेबाज अंबाती रायडू अगले साल अपने करियर को लेकर कोई फैसला कर सकते हैं। 2019 में रायडू अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। फ्रेंचाइजी आईपीएल 2022 के लिए नई टीम बनाना चाहती है और ऐसे में रायडू ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वे भविष्य की टीम का हिस्सा बने रहेंगे। वे भी आईपीएल 2021 के बाद रिटायर हो सकते हैं। रॉबिन उथप्पा। विकेट कीपर बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा के लिए ये आखिरी आईपीएल हो सकता है। हालांकि इस बार उथप्पा चेन्नई की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। राजस्थान ने ट्रेडिंग नियम के तहत रॉबिन को चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ट्रेड किया है। गौरतलब है कि पिछले साल राजस्थान ने उथप्पा को 3 करोड़ रुपए में खरीदा था। आईपीएल 2020 में इस विकेट कीपर बल्लेबाज ने कुल 12 मैचों में केवल 196 रन ही बनाए थे। पीयूष चावला। पीयूष चावला को आईपीएल 2019 की नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स से बड़ी उम्मीदों के साथ उन्हें मोटी रकम में खरीदा था। चेन्नई ने चावला पर 6.75 करोड़ की बोली लगाई थी, लेकिन पिछले सीजन में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। उन्होंने अपनी टीम के लिए 7 मैच खेले थे और उसमें वे केवल 6 ही विकेट ले पाए थे। नमस्ते इंडिया।